इस वक्त पाकिस्तान में आज इलेक्शन हो रहे हैं राजेश जी। आज हम पाकिस्तान, अगर आप देखेंगे 8/5/2004 से पाकिस्तान में शुक्र की महादशा लगी हुई है। शुक्र लगन में चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ, शुक्र लगन में बुध, शनि और सूर्य, यानी शनि और सूर्य घातक एक्सीडेंटल योग बनाते हैं। 2004 से पाकिस्तान की परिस्थिति को अगर भांपेंगे आप, तो कहीं ना कहीं शुक्र चंद्र इकट्ठे होते हैं तो छाती जाम हो जाती है, शरीर में विकार होते हैं, श्वास नहीं होता है। तो पाकिस्तान अमेरिका के दबाव में या किसी ना किसी तरह तालिबान के दबाव में दबता गया। मगर आज के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान में ना तो जरदारी की पार्टी पूरी तरह से सरकार बनाने में सक्षम होगी, ना इमरान खान की, ना नवाज शरीफ की। मगर जो रिजल्ट आएगा वो डेफिनेटली नवाज शरीफ और इमरान खान के पक्ष में आता हुआ दिखाई देता है। एक बात तय है, जैसे मैंने बोला था कि परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं, उनके ऊपर यहां तक कि 8/18/28 तक बोला था, तो उन्हीं दिनों में वो अंदर भी हुए और अभी भी वातावरण उनका अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। सिमिलरली जरदारी का वातावरण भी अच्छा नहीं है, जिस राज पे, जिस देश में राज किया था, हो सकता है वहां से उनको भागना पड़े और हो सकता है वहां पर उनको वापस अंदर जाना पड़े और नवाज शरीफ और इमरान खान जो है अपनी सरकार बनाने में सक्षम हो। जी मगर पंडित वो भी जी, सरकार चलेगी नहीं, वो भी सरकार नहीं वो चलेगी। भी सरकार, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त शुक्र की अंतर्मन महादशा चल रही है, जिसके कारण पाकिस्तान में बम विस्फोट, तालिबान, आईएएस, कहीं ना कहीं अमेरिका, अफगानिस्तान का दबाव बना रहेगा और आवाम जो है पाकिस्तान का, जो आम आदमी है पाकिस्तान का, वो दुख और दुख और दुखी होता रहेगा। जी।